सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25, 8955-89-6625। जन्म कुंडली विश्लेषण। माता और पिता को कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा रूपी चौखट पर अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। यानी बच्चों का जो भी करने का मन हो या जो भी वो बनना चाहते हैं उसमें उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। पेरेंट्स को अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने डिसीजन को उन पर थोपना नहीं चाहिए। मेरी जो दिल्ली की जो लास्ट विजिट थी उसमें 24 साल का एक यंग बॉय मुझसे मिलने आता है और उससे जो अपनी दास्तान मुझे सुनाई, वो पूरी की पूरी सुनाते वक्त उसके आंसू निकल रहे थे। वो कुछ और करना चाहता था, माता पिता ने उसको कुछ और करवाया। मेरे भी एक बार तो थोड़ा सा इमोशन ज़्यादा गया था, कलेजा भरा है, ऐसी स्थिति थी। उसे बताया कि जब पढ़ाई का समय था तो माता पिता ने किस कदर रिश्तेदारों से, उन रिश्तेदारों के सामने बहुत बार गिड़गिड़ाए कि उस बच्चे की पढ़ाई के लिए उसे थोड़ा कर्जा चाहिए। रिश्तेदारों को पता था कि ये इंसान कुछ खास करता नहीं है और पैसा ये चुका नहीं पाएगा, तो उसे गिड़गिड़ाते हुए देखा इस बच्चे ने। और बहुत मेहनत करने के बाद भी वह पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता था, फिर भी माता पिता ने जबरदस्ती करवाया। शायद हमेशा मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट था, ये लड़का बोलता है कि मेरे माँ बाप ने कर्जा लिया अपने रिश्तेदारों से और कई बार उनके सामने हाथ पैर जोड़े और ये सब कुछ मैं देखता था, और मेरे दिमाग में हमेशा पढ़ाई करते वक्त ये थॉट था कि अगर मैं नहीं पढ़ाई कर पाया तो मेरे माता पिता इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। पढ़ाई पूरी ना होने के कारण नौकरी की आस रखना मूर्खता थी। एक ही ऑप्शन इस बच्चे के सामने था कि मैं एक छोटी सी दुकान शुरू करूं और पिता भी मेरे साथ दें। पिता ने अपना पुश्तैनी घर भी बेच दिया, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। वो घर जिसमें हम सब रहा करते थे उसे बेच दिया, एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान मेरे लिए मेरे पिता ने खुलवा दी जिसकी उस एरिया में सख्त जरूरत थी। बिक्री अच्छी नहीं हो पा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि मैं एक दुर्भाग्यशाली इंसान हूं जो अपने माता पिता के लिए बोझ है। माता पिता ने पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। माता पिता ने मेरे लिए दुकान खोली जिसमें मैंने मेहनत की और कपड़े की दुकान की बात जरूर थी, पुश्तैनी मकान भी गया और दुकान भी नहीं चल पाई। जिससे कर्जा लिया वो बार बार कर्जा वापस चुकाने के लिए बोलते हैं और माता पिता उनको बोलते हैं कि मेरा बेटा अब कमाने लग गया है, जल्द ही मैं कर्ज चुका दूंगा। एक झूठी आस मेरे माता पिता ने अपने रिश्तेदारों को दी, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ ही गई कि मैं एक नाकारा लड़का हूं। उसकी सारी बात सुनने से मुझे ऐसा लगा कि वो जीना तो चाहता है ना सिर्फ अपने माता पिता के कर्ज को चुकाने के लिए बल्कि अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी भी देना चाहता है, लेकिन ये सब ख्वाब ही रहा। मैंने उसके पिता से फोन पर बात की और समझाया कि लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। तरक्की के चक्कर में कहीं आप अपने बच्चे को ना खो दें, उसके सामने कभी कुछ बस सोचिए। और वक्त आज आपका खराब है, रात कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं उजाला नहीं होने दूंगी, वो नहीं रोक सकती है।
सुबह होती है तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड का मतलब है अच्छा और मॉर्निंग का मतलब है मोर इनिंग हमें मिली है। ईश्वर आज हमारे साथ नहीं लेकिन कल हमारे साथ जरूर होगा, ये हमारा अधिकार है। आइए देखते हैं क्या कहती है इस बच्चे के ग्रहों का खेल, क्या है इसके ग्रह नक्षत्र, क्या है इसके जीवन में आगे किस प्रकार की इसकी जिंदगी होगी, देखते हैं। सबसे पहले देखिए 3 नंबर से कुंडली शुरू होती जिसे हम मिथुन लग्न की कुंडली कहते हैं। लग्नेश बुध सप्तम भाव करियर हाउस में विराजमान है, बिजनेस के हाउस में विराजमान है। देखिए जहां पर 9 नंबर लिखे हुए बुध और राहु विराजमान है। मैंने कई बार कहा है कि थावर कीजिए थापरा, बुध कीजिए व्यापार। बुध मजबूत हो तो इंसान को व्यापार करना चाहिए। शनि थावर, शनि अच्छा हो तो कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, घर बनाना चाहिए। लेकिन बुध यहां पर नीच राशि के राहु के साथ अशुभ जड़त्व दोष बना रहे हैं जो बुद्धि में जड़ता दे देते हैं, दोहरा विचार देते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये सोच रहे हैं कि नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये सोच बुध और राहु देते हैं। और ये घर जो है वो करियर का है, या बुध तो व्यापार करवाएंगे ही लेकिन राहु यहां इसे 32 साल की उम्र तक संघर्ष जरूर करवाएंगे, ये तय है। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। लग्न में केतु विराजमान होकर इंसान का स्वभाव क्रोधित और स्वभाव में कायरता देते हैं, क्योंकि केतु जो है वो धड़ है, राहु सर है, तो इंसान को विश्वास ही नहीं होता है कि मैं खुद कुछ कर सकता हूं। वहीं केतु की 5वीं जो दृष्टि है वो एजुकेशन हाउस पर, देखिए 7 नंबर 3 से लेकर 7 की तरफ, तो शिक्षा भाव पर होने से शिक्षा कमजोर। और यहां पर शिक्षा भाव के लॉर्ड जो बनते हैं शुक्र, वो 4th हाउस में अपने से पीछे चले गए और वो भी नीच राशि के हो गए, शिक्षा अधूरी रहने का कारण बना। शुक्र कुंडली में नीच राशि के हैं और आप शुक्र से संबंधित रेडीमेड गारमेंट का ही काम कर रहे हैं तो लाभ कहां से मिलेगा, पहले तो पढ़ाई छुड़वाई शुक्र ने, दूसरा आपके जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करवाकर उसमें भी ऐसी नीचता की कि पूछता नहीं, घर भी गया आज दुकान भी जाने वाली है। शुक्र ने अपनी नीचता बखूबी निभाई है और अच्छी जगह मेन मार्केट में आपको जगह मिलने के बावजूद आपकी दुकान नहीं चल पाई। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। 6th हाउस में जो कि पिता के कारक ग्रह सूर्य विराजमान है, देखिए 8 नंबर में सूर्य और मंगल विराजमान है, जिससे पराक्रम योग बन रहा है। सूर्य और मंगल से कॉन्फिडेंस आता है पर इतना नहीं है क्योंकि ये 6th हाउस में चले गए, रोग में चले गए, तो कॉन्फिडेंस का रोग हो गया, खुद पर विश्वास नहीं। सूर्य से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह बुध विराजमान होकर शुभ वेशी योग बना रहे हैं। अष्टम भाव में शनि विराजमान है जो दीर्घायु है, जहां पर 8th हाउस है, वो 8th हाउस में शनि होंगे तो दीर्घायु यानी लंबी आयु तक आप जीवित रहेंगे, अतः आत्महत्या के प्रयास को जिंदा रखेंगे। पर देखिए कई बार लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं, हाथ टांग टूट जाते हैं, जिंदा रहते हैं, कोई बचा लेता है, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि आप तो जिंदा रहते हैं लेकिन आपके शरीर का कोई अंग भंग हो जाता है, अतः आप ये आत्महत्या का प्लान महाराज कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इसमें कोई खास मजा नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। शनि की 3री दृष्टि कर्म स्थान पर बन रही है, दिन रात एक करके मेहनत आप करिए तो सफलता जरूर मिलेगी। 28 साल की उम्र के बाद आपका पहला भाग्य उदय होगा। 28 साल की उम्र तक का सफर आपका आसानी से कटने वाला नहीं है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि मन मस्तिष्क के कारक चंद्रमा पर पड़ रही है। देखिए 2nd हाउस जहां 4 नंबर लिखे हुए चंद्रमा विराजमान है, यहां पर 10 से लेकर 4 की तरफ एक एरो जा रहा है जो चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहा है। चंद्रमा कौन है? मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, जो मन को विचलित करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, कंफ्यूज करता है, कॉन्सेंट्रेशन कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, माइंड को वेवरिंग करना, डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर करना, ऐसे दोहरे विचार मन में हमेशा उत्पन्न होते हैं। अब आदमी क्या करता है, टेंशन और डिप्रेशन में आकर यह सोचता है कि मैं मेरे माता पिता के लिए बोझ हूं और आत्महत्या कर लेता है, तो पिता के जो कंधे पर जो अर्थी जाएगी वो सबसे बड़ा बोझ होगा। दोस्त आपके जो जंग है वो अपने आप को मारकर जंग नहीं जीती जाती है, दूसरे को मारकर जंग जीती जाती है। तो मारना किसको है? खुद के भीतर छुपे हुए कमजोरी को, आलस्य को। कर्जाई तो मांग रहे हैं, रिश्तेदार मांगेंगे, उनका अधिकार है, हमें क्या करना है? उनको अपने काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आत्महत्या जैसी कायरता की बातें दिलो दिमाग में उत्पन्न करती ये सारे योग, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। कायरता है शनि, यानी जीवन में जिसने भी जिस किसी भी इंसान को जीवन में संघर्ष मिलता है, तकलीफ मिलती है, वो इंसान को आने वाले वक्त में उसके सपने जरूर साकार हो जाते हैं। आसानी से ये दोष आपके सपने को साकार नहीं होने देंगे लेकिन वक्त रहते ये सपने जरूर साकार होंगे।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। 2013 में केतु की दशा प्रारंभ होने से केत छुड़ावे खेत आपको व्यापार में डाला, लेकिन केतु नीच राशि होने से जीवन में संघर्ष रहा। 27 जुलाई 2020 तक ये दशा आपकी रहेगी और जुलाई 2020 से अगले 20 साल शुक्र की महादशा आपको बहुत शानदार रिजल्ट देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब केतु नीच के हैं तो फल नहीं दिया, फिर शुक्र नीच राशि होकर कैसे फल अच्छा दे देंगे? इसके लिए मेरे पास कारण है। एक तो 28 साल में आपका भाग्य उदय होने की बात मैंने कही थी, 2020 में आप 28 साल के तकरीबन हो जाएंगे। दूसरा, लगातार दो दशाएं इंसान की खराब नहीं जाती हैं। तीसरा, शुक्र पंचमेश यानी त्रिकोण के अधिपति होकर केंद्र में विराजमान है, एक ही बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपको शुक्र नहीं बल्कि शनि से संबंधित व्यापार करना है। यहां शनि अष्टमेश और भाग्येश होकर 8th हाउस में स्वयं की राशि में बहुत सुंदर योग बना रहे हैं और शनि शुक्र में गुरु और शिष्य का संबंध है और मित्रता का संबंध है, यानी चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। 2020 तक आपको नौकरी करनी चाहिए, खूब संघर्ष करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करिए, मार्केटिंग सेल्स परचेज ये सब चीजें पढ़िए। पांचवा पॉइंट, कुंडली में व्यापारेश और कर्म स्थान के स्वामी गुरु पराक्रम भाव से शुभ और पांचवी दृष्टि से व्यापार भाव, सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव और नवमी दृष्टि से लाभ भाव को देखते जो शुभ है, मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये बालक आपके लिए श्रवण का रोल प्ले करेगा, सिर्फ इस पर विश्वास रखिए। शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, आज की तारीख में मेरी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है कि रखो रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते पक्षियों और पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं मंजिल, यानी सफलता और असफलता सिर्फ एक मानसिकता है। क्या पता कि आपके असफल होने के पीछे भगवान कोई बहुत बड़ी सफलता की तलाश कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपने देखा होगा कि एक नेगेटिव जो होता है पिक्चर, उसको एक डार्क रूम में पॉजिटिव पिक्चर बनाई जाती है, वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आज अंधेरा है तो ईश्वर आपके लिए सुनहरी पिक्चर तैयार कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा विश्वास रखिए और इंतजार करिए, कुछ उपाय जो आपकी इस जिंदगी को और थोड़ा आसान कर देंगे। उपाय क्या है? रात्रि के समय दो रोटी दूध में चूर कर कुत्तों को जरूर खिलाइए। शुक्रवार की रात में सुगंधित 9 पुष्प अपनी कुल देवी अथवा दुर्गा मां के चरणों में अर्पण करिए और मातंगी साधना को संपन्न करिए। तो ये था जन्म कुंडली का विश्लेषण। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। जन्म कुंडली विश्लेषण। मैं रोजाना कई शिष्यों से मिलता हूं और नित नई नई समस्याएं उनके सुनता हूं और वापस उनको सलाह देना और समाधान करना मेरा कर्म है। उनमें से एक वाक्य आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। कोलकाता का रहने वाला एक शख्स जो कि वहीं के एक जाने माने पंडित जी से मिलता है और अपने शादी से पूर्व कुंडली मिलान के लिए जाता है। पंडित जी ने कहा कि कुंडली तो मिलती है पर आपको संतान सुख नहीं मिलेगा, इसके बावजूद आप चाहें तो शादी करें, अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप दोनों के इस कुंडली में बच्चे होने का योग नहीं है। यह पंडित जी की भविष्यवाणी को नकार के उन्होंने विवाह कर लिया और 7 साल तक कोई भी संतान नहीं हुई और उस हर बार पंडित जी की भविष्यवाणी की तरफ इशारा करती थी, याद दिलाती थी। परिवार वालों का दबाव बढ़ा कि कुछ भी करो एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। फिर मुझसे ये कोलकाता में मिले तो मैंने बताया कि मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो आप कुछ उपाय, उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे बताइए कि मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो कोई आप उपाय बताएं जिससे मुझे बच्चा हो जाए या मैं दूसरी शादी कर लूँ जिससे मुझे बच्चा हो जाए, ये वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। मैंने मना किया कि संतान सुख आपकी कुंडली में नहीं है, तुम दोनों बच्चा गोद ले लो जिससे ना केवल इस बच्चे की कमी पूरी हो जाएगी बल्कि एक बच्चे को माता पिता का सहारा भी मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं माने और पत्नी ने अपने पति को दबाव डालकर दूसरी शादी और करवा दी।
ये बहुत आसान नहीं है सुनना और सहन करना। एक पत्नी अपने पति को कह रही है कि तुम दूसरी शादी करो और करवा भी दी, तीनों साथ में रहने भी लगे। अब समस्या ये है कि दूसरे विवाह से एक बच्चा तो जरूर पैदा हुआ, परंतु बच्चे को थैलीसीमिया मेजर नाम की एक बड़ी घातक बीमारी हो जाती है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब ये अपने एक साल और तकरीबन 4 महीने के बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य के लाभ की कामना करते हुए पुनः जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे पास भेजा है। ये श्रीमाली जी, हमसे जितनी गलतियां हुई है जो दंड देना दीजिए, लेकिन इस बच्चे के चक्कर में हमने ये सारे खेल खेले हैं, अब आप इस बच्चे को बचाइए। तो आइए इस बच्चे की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि क्या है इसके ग्रहों का खेल। इस वक्त आपके सामने जो कुंडली है वो 5 नंबर से शुरू होती है, जिसे हम सिंह लग्न की कुंडली कहते हैं। अब यहां पर लग्न लॉर्ड सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है, जहां 12 नंबर मीन राशि में सूर्य और शुक्र विराजमान है। लग्न को निर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है। ज्योतिष का यह नियम है कि जब भी लग्नेश 8th हाउस में होंगे तो शरीर सुख में बाधा दे सकते हैं और ज्यादातर लोगों को देते भी हैं। यहां लग्न में बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष शारीरिक समस्या की तरफ इशारा करता है, यानी दोनों ही चीजें डैमेज हो गई। आगे बढ़ते हैं 6th हाउस, जो कि हमारे हेल्थ का होता है, हमारे इलनेस का होता है, हमारे रोग का होता है, जहां पर 10 नंबर लिखे हुए हैं। यहां के लॉर्ड शनि वक्री और मंगल जैसे क्रूर और पापी ग्रह के साथ विराजमान है 4th हाउस में, अंगारक दोष बना रहे हैं, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। शनि और मंगल सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को तेजस्वी और रक्त की तीव्रता का प्रतिनिधि मानते हैं और रक्त वर्ण भी कहा जाता है। आप अगर मार्स प्लैनेट इस वक्त इंटरनेट पर लिखिए, आपको लाल रंग का एक प्लैनेट दिखाई देगा, और मंगल का रंग भी लाल है और खून का रंग भी लाल है, और यह मंगल दूषित हो गए जिससे हीमोग्लोबिन और थैलेसीमिया जैसी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड में कोई तकलीफ, ब्लड सेल्स में तकलीफ, ये सारी ब्लड से संबंधित तकलीफें इस दोष के कारण उपज जाती है। 3-3 पॉइंट बने, लग्नेश 8th हाउस में, लगन में चांडाल दोष, शनि मंगल की युति, मंगल का डैमेज हो जाना अच्छे होते हुए भी, ये सब मिलकर रोग बनाती है। अब 27 फरवरी 2017 तक सूर्य की महादशा रहेगी, इस समय अधिक ये कष्ट रहेगा। आगे 27 फरवरी 2017 से 27 फरवरी 2027 तक चंद्रमा की दशा रहेगी। अब चंद्रमा देखिए 12th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में विराजमान है, उच्च राशि के। इस दशा में इनका स्वास्थ्य पक्ष नरम गरम रहेगा, लेकिन 10% सुधार की तरफ होगा। परंतु 26 जनवरी 2017 को वृषभ राशि वालों को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, और शनि मैंने पहले ही कहा रोग भाव के लॉर्ड होकर मंगल के साथ अंगारक दोष बना रहे हैं, जिस कारण शनि के ढैया में थोड़ा सा खतरा जरूर रहेगा, वो भी आयु जैसा खतरा भी हो सकता है, जिसे हम मार्केश की दशा कहेंगे। बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते आगे आयु भाव की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। देखिए जो आयु भाव का कारक है वो शनि है, वो मैंने पहले ही बता दिया डैमेज है ही। वहीं आयु भाव यानी 8th हाउस के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि अपने से षडाष्टक दोष बना रहे हैं। कैसे मैं समझाता हूं, देखिए 12 नंबर जहां लिखे हैं वहां सूर्य विराजमान है, और वहां के 12 नंबर के लॉर्ड बनते हैं गुरु। वो गुरु कहां बैठे हैं, 12 से देखिए 12, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी अपने से 6ठे घर में गए। अब 5 से आप अगर घूमते घूमते 12 तक आओगे तो वो 8वां घर हो जाएगा। 6 और 8 का संबंध षडाष्टक दोष, रोग और मृत्यु का संबंध, 6th हाउस रोग का, 8th हाउस मृत्यु का, ये संबंध बन गया। लग्न में राहु के साथ पीड़ित है बृहस्पति, ऊपर से मार्केश की दशा आने वाली है, बहुत अशुभ योग है। वहीं अष्टमेश गुरु लग्न में और लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में परिवर्तन योग बनाते हैं, जो बिल्कुल ही खराब है। 6ठे, 8वें और 12वें घर का परिवर्तन योग सिर्फ खराब करता है, ये तो इशारा करती है कि नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है। बढ़ते आगे सूर्य पिता के कारक होकर अष्टम भाव में विराजमान है, जन्म से सूर्य की दशा से इस बात की ओर इशारा करती है कि पिता के लिए बालक कष्टकारी होगा और किसी न किसी प्रकार से पिता से पूर्व जन्म के कर्मों के पापों का फल लेने के लिए, बदला लेने के लिए नियति के चलते इस बालक का जन्म हुआ है, जो कि जन्म से ही बालक थैलेसीमिया के रोग से पीड़ित होकर पिता की जमा पूंजी दवाइयों इलाज वगैरह में सब कुछ तबाह कर देता है। घर में किसी एक इंसान को कैंसर होता है, अब पता है डॉक्टर ने कह दिया कैंसर का इलाज से ये बच नहीं पाएंगे, फिर भी हम सब जी जान लगाकर रुपया पैसा लगाते हैं और वो इंसान नहीं बचता है। यानी हमने अपना कर्म किया लेकिन हमारे योग ऐसे थे कि हमें बर्बादी करने के घर आए। कैंसर एक इंसान को होता है, पूरे परिवार को बर्बाद करता है। वैसा ही
ये पिता के लिए कष्ट का समय है। आइए अब नवमांश कुंडली में थोड़ी सी नजर डालते हैं, जिससे स्वास्थ्य और आयु की समस्या की तरफ और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि एक पक्ष को देखकर नहीं रिजल्ट दिए जा सकते हैं इतने स्ट्रांग जब हमें डिसीजन लेने होंगे। आइए देखते हैं नवमांश कुंडली क्या कहती है। ये एक नंबर की कुंडली आपके सामने, रोग भाव यानी सिक्स हाउस जहां छह नंबर लिखे हुए उसके लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ हाउस में चले गए, अशुभ यानी पांच नंबर विराजमान है, छह से पीछे चले गए, डैमेज। अष्टम भाव जहां पर आठ नंबर लिखे हुए, देखिए राहु और मंगल का अंगारक दोष बिल्कुल ही अशुभ, क्योंकि राहु एट्थ हाउस में आयु के लिए सबसे खराब माना जाता है। आयु कारक शनि कर्म स्थान में स्वग्रही होने से कुछ आस बंधी है कि आयु के खतरे को उपाय की और प्रायश्चित से कम किया जा सकता है। इस कुंडली को देखकर तो मुझे 100% नेगेटिविटी नजर आ रही है, लेकिन प्रायश्चित से ईश्वर से हम वरदान प्राप्त कर सकते हैं, उपायों से हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि होनी को कौन टाल सकता है। अक्सर हम ये कहावत सुनते हैं, लेकिन होनी को हम खुद ही टाल सकते हैं, यह बात हम भूल जाते हैं। पति पत्नी दोनों पारद शिवलिंग पर सरसों के तेल का लगातार अभिषेक करते हुए 1,25,000 महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करने का संकल्प लेकर उसे 90 दिन में पूर्ण करना है। दूसरा, बेटे को अमोघ महामृत्युंजय कवच गले में धारण करवाना है। तीसरा, 1,25 रत्ती का माणिक्य और पुखराज सिद्ध बीसा यंत्र में गले में धारण करवाइए। बच्चे से सूर्य आराधना करवाइए, उसके हाथ से सूर्य को जल देना। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ वो सुन ले, सूर्य नमस्कार योग अभी तो नहीं कर सकता लेकिन बाद में जरूर करें, और हनुमान भक्त, बच्चे को हनुमान भक्त जरूर बनाना है तथा उन्हें हमेशा हनुमान जी की कहानियां सुनाते जाइए। अगर आप किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि अब इसका समाधान करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो मैं करूंगा आपकी समस्या का समाधान टेलीविजन या टेलीफोन के माध्यम से। आप हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को और भी बहुत सारे कार्यक्रम को YouTube पर जाकर आप देख सकते हैं, उसे सब्सक्राइब करिए, और इंटरनेट पर YouTube पर सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना, या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियाँ यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराए नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित संपूर्ण विद्या प्रदायक किट, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25, 8955-89-6625।